हेलो गाइस, आज मैं आपको अपने कुछ क्लोथ्स दिखा रही हूँ जो मैंने डिजाइन किए हैं, जिस पे मैंने पेंटिंग की है फैबी कलर से। और आप जो है मेरे डिजाइन को देखकर बताइएगा कि वो आपको किस तरह से लगे हैं। तब बताइएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए गाइस, ये मैंने पहले कपड़े पर फूल का डिजाइन बनाया था। ये मैंने टेबल कवर तैयार किया है और ये फूल का डिजाइन बनाया है। और फिर मैंने इस पर फैबी कलर किया है जो लोग पे किया जाता है। और देखिए बीच में मैंने ये इस तरह से डिजाइन बनाया है इसमें। देखिए गाइस, ये इस तरह से डिजाइन है ये। और इस पे फिर फैब्रिक कलर किया गया है और इसको मैंने इस तरह से फैब्रिक कलर किया गया है। ये भी मैं आपको कभी पेंटिंग्स करने वाली वीडियो वगैरह में दिखा दूँगी। और फिर ये मैंने चारों तरफ से इसके आउटलाइन में ये लैस लगा दी है ब्लैक कलर की। ये इस तरह से मेरा ये टेबल कवर बनके तैयार हो गया। ये देखिए, इसके बाद में मैंने एक और भी कवर तैयार किए हैं। देखिए गाइस, ये मैंने फ्लो कवर तैयार किया है। ये चारों तरफ से सिलने के बाद में फिर मैंने इसको ये कलर डिजाइन किया है। पहले मैंने इसको पेंसिल से वर्क करके मैंने इसको डिजाइन बनाया था। उसके बाद में मैंने ट्रेस पेपर से ट्रेस करके ये दूसरी साइड में इसका डिजाइन बना दिया था। देखिए गाइस, ये इस तरह से लग रहा है फ्लो कवर कंप्लीट होने के बाद में। देखिए गाइस, इसके बाद में मैंने ये देखिए गाइस, ये दो फ्लो कवर मैंने एक जैसे ही बनाए हैं सेम। ये ट्रेस पेपर की सहायता से बड़े आराम से बन जाते हैं। एक डिजाइन को आप दूसरे फ्लो कवर में डिजाइन कर सकते हैं ट्रेस पेपर की सहायता से, फिर उस पर हम कलर कर देते हैं। ये देखिए गाइस, एक ये मैंने बनाया था। ये देखिए गाइस, एक ये है कवर जो मैंने टीवी के लिए बनाया था, टीवी कवर। ये देखिए गाइस, ये टीवी कवर बनाया था मैंने और इसकी भी चारों तरफ से लैस लगाकर आउटलाइन कर दी थी। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस, और ये मैंने बीच में इसका डिजाइन बना दिया था जो इसका डिजाइन इस तरह से लग रहा है। देखिए देखिए गाइस, ये इस तरह से मैंने इसका ये डिजाइन बना दिया था, फिर इस पर मैंने ये फैबी कलर कर दिया। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए, एक ये बनाया है मैंने, इस पर भी मैंने फैबी कलर किया है। पहले मैंने इसको पेंसिल से इस पर वर्क कर लिया था, उसके बाद में मैंने ये चारों तरफ फैबी कलर से डिजाइन बना दिया और चारों तरफ इसके आउटलाइन बना दी। ये देखिए गाइस, ये भी आप छोटे टेबल वगैरह या किसी भी चीज़ पे आप इसको बिछा सकते हैं। और देखिए गाइस, ये बीच में मैंने इस तरह का डिजाइन बनाया है। ये देखिए गाइस, ये इस तरह से मैंने ये डिजाइन बनाया है। ये देखिए, और ये चारों तरफ ये इस तरह से डिजाइन बनाया है, फिर भी फ्लावर बनाए हैं।
देखिए गाइस, और देखिए देखिए गाइस, एक मैंने ये डबल बेड की बेडशीट तैयार की है। और इसके लिए मैंने देखिए ये मैंने इसके पिलो कवर बनाए हैं, और ये पिलो कवर भी दोनों इस तरह से डिजाइन किए हैं। पहले मैंने पेंसिल से इसको डिजाइन किया, फिर मैंने इस पर फैबी कलर किया है। और फैबी कलर किस तरह से करते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में वीडियो बनाकर मैं बता दूंगी। आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं किसी भी बारे में। ये दोनों कवर मैंने इस तरह से ही डिजाइन किए हैं। देखिए एक्चुअली मुझे फ्लावर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे पेंटिंग्स में फ्लावर आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए गाइस, ये इस तरह से मैंने ये इसको भी डिजाइन किया है। इसके बाद में गाइस मैंने ये पूरी चादर बना रखी है, डबल बेड की चादर है, और इसको भी मैंने डिजाइन किया है। देखिए गाइस, इसको मैंने कैसे डिजाइन किया है, मैंने इसमें ये फ्लावर का, देखिए गाइस मैंने इसमें ये इस तरह से फ्लावर का जोड़ा बनाया है रोज का। ये देखिए, ये देखिए गाइस, और ये फिर मैंने चारों तरफ इस तरह से ये डिजाइन बनाया है। ये देखिए गाइस, और ये फिर मैंने ये हिरन का जोड़ा बनाया है। देखिए ये हिरन का जोड़ा है, ये देखिए गाइस, फ्लावर के ऊपर ये हिरन का जोड़ा बनाया है। और इस तरह से आप भी कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। ये देखिए गाइस, ये इस तरह से मैंने चारों तरफ ये डिजाइन बना दिया, और ये फिर मैंने ये बीच में डिजाइन बना दिया है इस तरह से। देखिए ये गाइस, देखिए इस तरह से डिजाइन बनाया है, और फिर मैंने ये इसके बीच में किस तरह से डिजाइन बनाया है ये देखिए। ये देखिए गाइस, ये मैंने बीच में इसके डिजाइन बना दिया है, ये इसमें 6 फ्लावर बना दिए हैं बीच में। और ये बिछाने के बाद में काफ़ी अच्छी लगती है बेड पर चादर। अगर अगर आपके पास में भी समय है तो आप भी इस तरह से कुछ, देखिए आपके पास समय है तो आप भी इस तरह से अपने कुछ डिजाइनर चीज़ें घर पर बैठकर बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए चादर बनने के बाद में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है गाइस। देखिए काफ़ी खूबसूरत चादर है ये, देखिए गाइस। तो ये थे आज मेरे डिजाइनर कुछ क्लॉथ्स, और जो है आपको पसंद आए तो गाइस आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाय गाइस।